माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज दो दिन के बाद थोड़ी ठीक लग रही थी तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोगों को बताना भी ज़रूरी था कि हाँ मैं ठीक हूँ अब। और आज ठीक हूँ तो इतना सारा काम है ना कि क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि दो दिन में बहुत ही फैल चुका है। आप लोगों को बताया था कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही थी, तो किचन, बेडरूम, हर चीज़ बहुत गंदा हो गया है, बहुत ही गंदा हो गया है, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा भी नहीं कर पा रही थी। तो आज मुझे वो सारे ही करने हैं। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सबसे पहले मैं स्माइली को स्कूल भेज के और उसके बाद मैंने नहाया फ्रेश, मतलब मुझे नहाने का मन कर रहा था, क्योंकि जैसे होता ना कि अगर हम बीमार रहते हैं उसके बाद से थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए ना, मतलब नहाना सबसे पहले, नहा लो तो लगता है कि आधा बीमारी भग जाता है। तो सेम वैसे ही मैंने, मुझे लगा कि सबसे पहले उठ के मैं नहाती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, फिर कोई काम करूँगी। तो मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, आगे के सारे काम करते हैं। बहुत सारे कपड़े भी धुलने हैं, बहुत सारा सफाई करना है। तो चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को भी। स्माइली स्कूल से आ गई और स्माइली अब अच्छी बच्ची बन रही है। स्माइलो, हाँ? अभी क्या बोल रही थी? अच्छे बच्चे सारा काम खुद करते हैं अपना। हाँ? हाँ? इसीलिए खुद आके स्माइली अपने सूझ निकाल के, लेकिन ड्रेस तो मम्मा निकालेगी। आ जाओ। हाँ, कैप निकालो, कैपी। ओ मेरा बच्चा लग रहा है बॉल दूं पर दबोल दूं। सॉरी से। ओ स्माइली, तुम ब्लस हो रही हो। कैसे? चिक्स तुम्हारे रेड हो रहे हैं। कैसे? कैसे पता ना? ब्लश कैसे कर रही हो? ओहो, ओए होए मेरे किटी भाई। कैसे ब्लश कर रही हो? गरम हो गई हो इसलिए शायद रेड हो रहा है। देखो। हाँ मम्मा, मैं दुख रही थी, खुजली हो रही थी सूज में। ओहो, बैग में वो खुजली हो रही थी। चल बैठो बैठो, मम्मा आपका ड्रेस निकाल दे। स्माइली बनाना। हे गाइस, तो अभी हूँ मैं किचन में और आज बनाने वाली हूँ मैं पालक पनीर। पालक भी आ गया है, बनाने का तो मन नहीं था और मैं ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत ठीक नहीं हूँ मैं। मुझे बहुत मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो बस जैसे तैसे काम कर रही हूँ। तो ब्लॉग शूट करना इतना आसान नहीं होता है, तो बस पालक आज इसलिए बना दे रही हूँ क्योंकि दो दिन से आया हुआ है और वो ख़राब हो जाता है, मतलब सूखने लग जाता है ना, तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। तो पालक पनीर बना लेती हूँ। पनीर भी आ गया है, तो भी इसको बनाने में थोड़ा ताम झाम तो होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जैसे तैसे नॉर्मली जितना आसान तरीक़ा से हो पाए मैं बनाती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को भी। सो गाइस, सबसे पहले तो मैंने पालक को कट कर लिया अच्छे से, इसको इसका जो भी कचड़ा चढ़ा था बिन के, तो कट करने में बिनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैं इसको बहुत अच्छे से धुलती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी से धुलती हूँ, क्योंकि मिट्टी वगैरह रहते हैं तो उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। मैं तो कोई भी सब्ज़ी बहुत धुलती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन ये तो साग ज़्यादा ही धुलना पड़ता है, दो तीन पानी से, तीन पानी से कम धुलना पड़ता है मेरे को। उसके बाद सबका बनाने का तरीका अलग होता है, पालक पनीर सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं और मुझे कितने सारे तरीके आते हैं, लेकिन ये जो मैं बनाती हूँ मुझे सबसे बेस्ट लगता है और बहुत टेस्टी लगता है, सिंपल तरीके से, ज़्यादा ताम झाम के बिना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अभी मैंने पालक बॉयल होने के लिए रख दिया और इधर प्याज कट कर लिया, और मैं प्याज भी ना बहुत ज़्यादा, किसी भी सब्ज़ी में प्याज ज़्यादा डालती हूँ,
क्योंकि बोलते हैं कि प्याज व्याज से सब्जी अच्छी बनती है, तो बस वही फॉलो करती हूँ। मम्मी लोग बोलते थे, मम्मी का देखा है मैंने, तो वो भी प्याज ज़्यादा डालती हैं सब्जी में, तो मैंने भी बस इतने सारे प्याज कट कर लिए। इधर पालक मेरा बॉईल हो चुका है, देख सकते हैं, और इसको मैंने अभी छान लिया। और मैं जैसे बनाती हूँ आप लोग देखना, ये कमेंट नहीं करना कि ऐसे नहीं बनता है, वैसे नहीं बनता है। बहुत लोग इसको पीस के बनाते हैं, मुझे भी पता है, मैंने भी बहुत बार बनाती हूँ पीस के, लेकिन वो मुझे मतलब उससे ज़्यादा मुझे ऐसे अच्छा लगता है जैसे अभी मैं बनाने वाली हूँ। तो आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, तो ऐसा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे नहीं बनता है पालक पनीर, वैसे नहीं बनता है, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है ना। आप देख सकते हैं मैंने जीरा का तड़का दे दिया, और मिर्चा, प्याज, तेज़पत्ता, सब अच्छे से अभी मैं इसको फ्राई करूँगी। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप ऑयल कौन से यूज करते हो, तो मैं आपको बता दूँ कि बस एक ही, कोई ऐसा ब्रांड नहीं यूज करती हूँ कि मैं आपको स्पेशली नाम बताऊँ। हाँ, मैं रिफाइंड ऑयल यूज करती हूँ, जो कि फौजी साहब को राशन में मिलता है, वो फ्री मिलता है हमें, तो 3 लीटर महीने का मिलता है, तो वो हमारा 3 लीटर हो जाता है। और 2 लीटर का डब्बा सरसों ऑयल का मैं लेके आती हूँ कैंटीन से, तो हमारा महीने का 5 लीटर तेल लगता है। सरसों ऑयल मैं ऑमलेट वगैरह बनाने में यूज करती हूँ, और रिफाइंड जो मिलता है उसमें मैं सब्जी वगैरह बनाती हूँ, तो हमारा महीने का 5 लीटर में आराम से चल जाता है। तो बस हमें 2 लीटर ही ख़रीदना पड़ता है, वो भी मैं कैंटीन से सरसों का कच्ची घानी लेके आती हूँ, असली कच्ची घानी होता है, तो वो मैं लेके आती हूँ। और मैंने क्या क्या मसाला डाला मैं दिखाना भूल गई, लेकिन मेरे मसाले सेम ही होते हैं, आप लोग देखते होंगे जो भी सब्जी, तो मैं सारे ही मसाले सारी सब्जियों में डालती हूँ। तो अभी मैंने सारा मसाला मिक्स कर दिया है, और मैं अभी इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। मैं ना मसाला को बहुत देर तक भूनती हूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालती हूँ ताकि बहुत अच्छे से मसाला पक जाए। देख सकते हैं अभी भी ये पानी पानी है, जबकि ये आधा सूख चुका है, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें पानी डाला था ताकि बिल्कुल अच्छे से पके मसाला और अच्छे से भुन जाए, जब तक एकदम रेड रेड सा नहीं दिखने लगता है, एकदम ऑयल नहीं छोड़ देता है, और एकदम मतलब अजीब सुनहरा कलर नहीं हो जाता है, ब्राउन ब्राउन सा वैसा। तो मुझे लगता है मसाला भुनने में सिर्फ मुझे आधा घंटा लगता है, तो इसीलिए कोई भी सब्जी बनाती हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे इतने घंटे लगे, तो इसमें भी लोग कमेंट करते हैं कि इतना घंटा नहीं लगता है, लेकिन यार देखो सबका बनाने का तरीका अलग होता है ना, सब अपने तरीके से बनाते हैं। मेरी यही स्पेशलिटी है, मतलब मेरे खाने का कि लोग तारीफ़ करते हैं, इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी टाइम लगा के जो भी चीज़ें बनाती हूँ वो बनाती हूँ, और दिल से बनाती हूँ, मतलब जो भी सिंपल सा भी खाना बनाऊँगी ना, तो बिल्कुल मन लगा के। और मेरी मम्मा बोलती हैं कि जिस खाने को मन लगा के बनाओ ना, वो खाना ऑटोमेटिक बहुत टेस्टी हो जाता है, और अगर दुखी मन से किसी भी चीज़ को बनाते हो तो खाना टेस्टी नहीं बनता, आप कितना भी कुछ डाल लो। तो ये देख सकते हैं मसाला एकदम अच्छे से भुन चुका था मेरा, आपने देखा, और फिर मैंने इसमें पालक को मैश करके डाल दिया, और पालक को भी मैं अच्छे से पकाऊँगी, ढक ढक के पकाऊँगी ताकि तेल छोड़ दे। उसके बाद मैंने ये जो पनीर पूरा कट किया था मैंने मिक्स कर दिया, और देख सकते हैं अभी से कितना लाजीज दिख रहा है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि पनीर में पानी सोखेगा, नमक वगैरह सब मतलब मिक्स होने के लिए। उसके बाद मैंने अच्छे से ढक दिया। उसके बाद ये देखिए इसका फाइनल लुक, देखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है। फौजी साहब को तो मेरे हाथ का सच में बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली मेरा पनीर बन के तैयार हो गया था, आप लोग बताना देखने में कैसा लग रहा था। उसके बाद मैंने ये फटाफट से आटा गूंथ लिया। हे गाइस, तो अभी मेरी सब्जी बन चुकी है, आटा भी मैंने गूंथ लिया, लोया करके रख देती हूँ, और बच चुके हैं रात के 10, लेकिन अभी तक फौजी साहब नहीं आए हैं, तो मैं सब कुछ लोया वोया करके रख देती हूँ, ताकि वो आएंगे तो मैं गरम गरम रोटी सेक दूंगी, क्योंकि इतनी ठंडी में गरम गरम रोटी ही खाने में अच्छा लगता है। तो बस मैं लोया वोया करके रख देती हूँ, तो आप सोच सकते हैं अभी कब तक आएंगे वो। उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ, हम लोग खाते हैं, खाते खाते भी मतलब करते हैं, फिर बेड पे जाते हैं ना, मुझे 12:30 रोज का ही है मेरा, 1 बज जाता है सोने में, और 1 बज जाता है सोने में, आप सोच सकते हैं कि कभी भी मेरी पूरी नींद नहीं हो पाती है, और क्या ही बोलूँ, फिर सुबह में उठना पड़ता है स्माइली के लिए, जल्दी ही उठना पड़ता है। पहले जब उसका स्कूल बंद था तो थोड़े ठीक थे, ठंडी में सो जाती थी जितने देर तक मन करता था, लेकिन अभी क्या होता है, अभी देर से सो, मतलब 1 तो बजना ही है,
उसके बाद जल्दी क्या ही बोलूं, ऐसे चलती है जिंदगी, कम सोना पड़ता है, ज़्यादा काम होते हैं, और उसके बाद इसी में अपना भी मतलब अपने लिए भी टाइम निकालो, वीडियो ये वो अपना भी काम होता है। अभी हम लोग ये करके जाऊंगी, एक ही बार थोड़ा सा बेड पर रेस्ट करूंगी क्योंकि काफ़ी देर से मैं खड़ी हूँ, बिल्कुल कमर अकड़ चुका है मेरा, बहुत दर्द हो रहा है, तो बेड पर रेस्ट करूंगी और थोड़ा फ़ोन वोन चलाऊंगी अपना। उसके बाद फिर जब फौजी साहब आएंगे तो हम लोग खा के सो जाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को भी अब यही एंड कर देते हैं। और कैसा लगा मेरा पालक पनीर, आप लोग जरूर ट्राई करना है, सिंपल तरीके से ही बनाने की, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा। जब भी मैं बोलती हूँ ना कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो मैं सोचती हूँ काश मैं आप लोगों को टेस्ट करवा पाती अपना जो भी मैं बनाती हूँ सब्जी वगैरह, क्योंकि जो भी खाते हैं मेरे सारे रिलेटिव, मेरे घर वाले सभी बोलते हैं कि मैं सब्जी बहुत टेस्टी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनाती हूँ। तो मैं आप लोगों से कहती भी हूँ, मतलब उन लोगों का ही सुना हुआ कहती हूँ, क्योंकि अपने खुद से तो मुझे तो अपना बनाया हुआ अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई दूसरा कहता है कि अच्छा लगता है, तो मतलब दूसरा कोई कहता है कि हाँ टेस्टी बना है, तो वो दिल को सुकून मिलता है। तो बस जब भी आप लोगों से बोलती हूँ कि बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत टेस्टी, आप लोग ट्राई करना, तो मुझे लगता है काश मैं आप लोगों को टेस्ट करा पाती कि वाकई में बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ, जाके फ़ोन चलाती हूँ, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।